Everyone, assalamu alaikum to all of you. It's me, Ifkar Alam. I am going to discuss about this COVID-19 novel coronavirus. So I will discuss according to WHO guidelines. I have made these notes. So I will discuss here the pathogenesis and pharmacology, structures, and how the causing pathogenesis in our body, and a little bit drug pharmacology. Okay. So start karte hain. ओके हिंदी में स्टार्ट करते हैं कि सबको समझ में आए. सो कोरोना वायरस जो है लार्ज फैमिली ऑफ द वायरस है. इट मींस कि एक फैमिली है कोरोना वायरस का, उसमें बहुत सारे कोरोना वायरस आते हैं, है ना. और ये जो है एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी अफेक्ट करते हैं. ओके और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मीडियल इंक्यूबेशन पीरियड, ये 5.1 होते हैं, बट एक रेंज दिया गया है 2.2 से लेके 11.5. इंक्यूबेशन पीरियड मींस व्हाट? इंक्यूबेशन पीरियड मींस कि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आया, वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया और सिम्टम कॉज किया. तो जो इन्फेक्शन आया, सिम्टम हुआ, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उन्हें कहते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन में कैसे होंगे? स्नीजिंग, कफिंग, हैंड शेकिंग, किसिंग, हगिंग, राइट. ये तो इसलिए बोलते हैं मास्क यूज करें. साथ में क्या है कि ऑल एज ग्रुप अफेक्टेड होंगे, बट ज़्यादा एल्डरली और छोटे बच्चे में भी ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, चूँकि उनका दोनों का इम्यून सिस्टम वीक होते हैं. बच्चे में डेवलप नहीं होते, उसमें वीक होते हैं बड़े में, है ना. और साथ में भी बोला गया है कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन हैं, लाइक डायबिटीज़ मेलाइटस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड हाइपरटेंसिव पेशेंट, वो ज़्यादातर डेथ कर रहे हैं. चाइना में देखा गया ऐसा, ठीक है ना. ज़्यादा ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो इनमें अगर कोरोना वायरस होता है, COVID-19 होता है, तो ये ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है. और साथ में अभी इसका वैक्सीन ड्रग कोई आया नहीं है, बट अभी जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो टीम्स यूज़ कर रहे हैं, टीम मलेरियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं, साथ में क्या रेट्रोवायरल ड्रग भी यूज़ कर रहे हैं, है ना. बट FDA ने कोई ऐसा ड्रग अभी प्रूव नहीं कर रहा किया है, रिसर्च चल रहा है इस पर. आने में 1 ईयर लग जाएंगे, चूँकि ट्रायल समथिंग बहुत प्रोसेस है, 1 ईयर लगेंगे इसमें, ठीक है ना. और फिर बोला है कि सस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं कि कोई बंदा है, खांस रहा है, फीवर है समथिंग, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसको कि कोरोना वायरस अटैक कर गया है, ना. तो WHO ने एक दिया है, रूल्स बनाया है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस हो, है ना. और साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस मतलब व्हाट? कि उस बंदे को फीवर हो, कफ हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो. क्या कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ? और साथ में ये भी देखना है, हिस्ट्री देखना है कि वो बंदा जो सिम्टम आया है ना, कफिंग, स्नीजिंग और जो फीवर आया है ना, तो उससे पहले वो कहाँ से घूम के आया. ट्रैवल, जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री देखना है ना, तो कहाँ से इन्फेक्टेड एरिया से तो होके नहीं आया, लाइक चाइना, ईरान, और कोई इन्फेक्टेड पर्सन से मिल के तो नहीं आया, ये भी देखना है. ओके तो अब हम डिस्कशन करते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में. तो मॉर्फोलॉजी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है कोरोना वायरस का, ये क्राउन लाइक रिप्लोमर स्पाइक्स होते हैं. क्या? क्राउन लाइक रिप्लोमर स्पाइक. अगर आप ओनली दूर से देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? सोलर कोरोना की तरह दिखने को मिलेगा. सोलर कोरोना से ही कोरोना वायरस नाम आया, ठीक है ना. और ये देखिए, जितने भी कोरोना वायरस हैं सबका साइज लार्ज होता है, इसीलिए बोलते हैं कोई मास्क पहनो, है ना. तो कोरोना वायरस लार्ज साइज का होता है. साइज कितना है भाई? 120 से 160 नैनोमीटर चलते हैं. इनका ज्योमेट्री है हेलिकल्स होते हैं, लाइक स्प्रिंग लाइक, है ना. बट अदर्स जो वायरस हैं ये इकोसाहेड्रल्स होते हैं, ठीक है, इकोसाहेड्रल्स होते हैं. और इधर सिंगल स्ट्रैंड आने होते हैं और पॉजिटिव सेंस के होते हैं. क्या? पॉजिटिव सेंस. तो मैंने क्या बोला, सिंगल स्ट्रैंड आने हैं पॉजिटिव सेंस के हैं, बट जो नेगेटिव सेंस वाले और भी डेंजरस होते हैं, है ना. तो नेगेटिव सेंस वाले और भी डेंजरस होते हैं. और इनमें जो जीनोम्स हैं वो नॉन सेगमेंटेड जीनोम होते हैं, बट जो सेगमेंटेड जीनोम है वो और भी डेंजरस होते हैं, ठीक है, वो इतना डेंजर नहीं है ये. इनका जो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन में है, फैमिली का नाम है कोरोना वेरिडी, है ना. कोरोना वेरिडी फैमिली का नाम है. उसमें दो तरह के आते हैं फैमिली मेंबर्स, कौन कौन? कोरोना वेरिनी और टोरोना वेरिनी. क्या? कोरोना वेरिनी, टोरो वेरिनी, ओके सॉरी, कोरोना वेरिनी एंड टोरो वेरिनी आते हैं, ठीक है. तो इसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आ रहे हैं सारा. तो आप ये जो सारे के सारे कोरोना वायरस हैं, ये सारे के सारे क्या है? एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, बट एक जो इसमें गामा वाले, ये हमारा बर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. तो ये बर्ड्स वाले हैं क्या? गामा, जो गामा है. और ये जो हमारा जो बर्ड फ्लू है, ये क्या है कि आप देखते हैं कि एनिमल्स टू ह्यूमंस होते हैं, है ना. और इसमें क्या है, ह्यूमंस टू एनिमल्स से ह्यूमन हुआ, फिर ह्यूमन से ह्यूमन हो गया. बर्ड फ्लू में ऐसा नहीं था, वो सिर्फ एनिमल टू ह्यूमंस हो रहे थे. ओके
तो कोरोना वायरस जो हम लोग एनिमल्स में आते हैं, ऑफ कोर्स द एनिमल्स मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स है, तो हम लोगों में जो कोरोना वायरस होते हैं एनिमल्स को जो जो कॉज करते हैं, एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो 6 तरह के कोरोना वायरस हैं। क्या क्या है नाम बता रहा हूँ। कोरोना वायरस ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, एंड दे आर अदर्स क्या है, सार्स एंड मर्स। सार्स मतलब क्या, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मर्स क्या है, मिडिल ईस्ट में हुआ था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो मर्स जब हुआ था वो आपका 2012 से 2018 के बीच में हुआ था, उसमें 700 के करीब आदमी मर गए थे, है ना। और अभी जो जो न्यू चल रहा है वो सार्स में कोरोना वायरस 2 चल रहा है, सार्स कोरोना वायरस 2, है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 चल रहा है। इसे COVID-19 भी बोलते हैं, जो अभी लॉन्च हुआ है राइट मार्केट में। तो अब हम बताते हैं कि आपको जो हमारे बॉडी में इंटर किया, जब हमारे बॉडी में इंटर कैसे किया और करने के बाद क्या क्या किया, है ना, करने के बाद क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। तो हमारे बॉडी में इंटर किया हॉस्ट सेल, हम लोग क्या है वायरस के लिए हॉस्ट सेल राइट। तो हमारे बॉडी में इंटर किया, इंटर करने के बाद क्या करता है, उस पर प्रोटीन का लेयर होते हैं, वो प्रोटीन का लेयर कवर जो हटा देते हैं, हटा देते हैं। और उसके बाद उनमें का जो जीनोम जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, करने के बाद उसमें जो दो दो पार्ट्स होते हैं, जो आरएनए जीनोम है उनके दो पार्ट होते हैं, एक होता है 5-मिथाइलेटेड कैप, है ना, दूसरा है 3-पॉलीएडेनाइलेटेड टेल, है ना। तो 3-पॉलीएडेनाइलेटेड टेल जो है, ये जो है हमारा जो होस्ट सेल, जो हमारा बॉडी का जो सेल है उसके राइबोजोम से अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन करवाएगा, ठीक है। फिर बोलता है कि कोरोना वायरस के पास एक एंजाइम होते हैं, वो बनाते हैं और एंजाइम होते हैं एक, इनका नाम क्या है, RDRP, RDRP, ओके। RDRP का फुल फॉर्म है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके। तो ये हम सबसे पहले बनाते हैं हमारे बॉडी की हेल्प लेके, हमारे बॉडी की जो मशीनरी सिस्टम है उसकी हेल्प लेके ये एंजाइम, ये प्रोटीन सबसे पहले बनाते हैं, क्या, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। तो ये बनाने के बाद सबसे पहले बना लिया, अगर ये सिस्टम को जो मशीन चल रहा है प्रोटीन जो बना रहा है अगर उसको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, स्टॉप कोडन जो है, स्टॉप कोडन को क्या करना, एक्टिवेट करना होगा। तो स्टॉप कोडन जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, सिस्टम क्या रुक जाएगा। तो सिस्टम जो रुक रहा है तो उसको वो क्या बोलेंगे, नेस्टेड ट्रांसक्रिप्ट। नेस्टेड मतलब क्या है, नास्तो नाबूद, नास्तो नाबूद बोलते हैं ना अरबिक में, बोलते हैं क्या उर्दू में, नेस्तो नाबूद करना। तो क्या, नेस्ते नाबूद कर दिया किसका, ट्रांसक्रिप्शन को, ट्रांसलेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा था उसको नेस्तो नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया, स्टॉप कर दिया राइट। अब मैंने बताया कि एनिमल सोर्स है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉज किया, दैट्स ऑल, और एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन कॉज किया। साथ में लैब, जो लैब डायग्नोसिस है ना, जो लैब डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है, तो लैब डायग्नोसिस में क्या क्या देखते हैं भाई, स्पेसिमेन क्या लेते हैं, क्या क्या देखते हैं मैं बता रहा हूँ। देखिए, नेजोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं और ओरोफेरेंजियल स्वैब लेते हैं और स्पूटम लेते हैं। नेजोफेरेंजियल स्वैब में इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का, और जो नेजोफेरिंज ओरोफेरिंज में इंसर्ट करके वहाँ से स्वैब्स को निकाल लेते हैं और डायग्नोस करने के लिए हेल्प करते हैं, स्पूटम तो ले ही लेते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, इसमें रियल टाइम PCR करते हैं ना, पॉलीमर चैन रिएक्शन करते हैं ना, तो रियल टाइम PCR करते हैं। और रियल टाइम जो PCR करते हैं उसमें टारगेट करते हैं 3 तरह के जीन को, किन, एन जीन, ई जीन एंड RDRP को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एन एन एंड ई जीन जो है, ये हमारा जो बैट्स, जो चमगादड़ है, चमगादड़ के जो चमगादड़ के अंदर जो कोरोना वायरस है उसमें ये देखने को मिला कि ये जीन पाया गया। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, चमगादड़ से आया वायरस और इन पर्सन को, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर दिया, जाहिर सी बात है ये जीन प्रेजेंट होगा राइट। तो हम ह्यूमन में देखेंगे, अगर प्रेजेंट होगा तो समझ जाएंगे कि ये कोरोना वायरस है, COVID-19 है। और साथ में क्या है, RDRP जीन है। ये RDRP जीन जो स्पेसिफिक फॉर किसके लिए, सार्स और सार्स लाइक कोरोना वायरस के लिए था, मगर हम लोग COVID-19 के भी यूज़ करते हैं। तो कन्फर्मेशन, COVID-19 कन्फर्मेशन के लिए 3 जीन हैं जो आपको देखना पड़ेगा। अगर तीनों मिल गया तो आप बोलेंगे कि क्या, कि वो कोरोना वायरस पेशेंट है 100% श्योर। कौन कौन से है, एन जीन एंड ई जीन, जो इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं ना, और RDRP, है ना। RDRP आपको बताया था क्या है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, है ना, ये बताया था। ये कंफर्म, इसे कंफर्म हो जाएगा क्या कि आपको ये कोरोना वायरस पेशेंट है 100% श्योर। सो हम लोग क्या है कि देखो कि प्रिवेंट कैसे करेंगे, स्प्रेड को प्रिवेंट कैसे करना है। तो आपको पता है कि इसका कोई वैक्सीन, ये ड्रग्स नहीं है, इसलिए तो खुद को, मतलब सावधानी, खुद को प्रिवेंट करना पड़ेगा ना, इससे प्रिवेंट, स्प्रेड प्रिवेंट करना होगा राइट। तो क्या करना चाहिए मुझे भाई,
हैंड वॉश करना चाहिए, मास्क यूज़ करना चाहिए, हैव अ टेम्परेचर चेक रेगुलरली, राइट, अवॉइड द लार्ज क्राउड एरिया, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, बार बार नाक टच मुंह टच, ये मेरी आदत है, राइट, सबको आदत होती है, मैक्सिमम आदमी को। तो WHO ने बोला ऐसा नहीं करना है भाई, अनक्लीन हैंड अगर है तो आपको टच नहीं करना है, बट जितना कहना आसान है उतना करना ही मुश्किल है, बट करना चाहिए। एज ए मेडिकल स्टूडेंट आई हैव टू से अबाउट अबाउट दिस थिंग ट्रूली, कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो और डिस्टेंस बना के रखना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से 1 to 2 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। बट और साथ में ये है कि अभी आप शाहरुख खान सलमान खान शर्म में सलाम वालेकुम करना है, नमस्ते करना है, राइट, तो हैंड शेकिंग से बचेंगे। फिर अब बताना पैथोजेनेसिस के बारे में, बताना कैसे हमारे बॉडी में इंटर कर रहे हैं। देखिए हमारे बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, कि जो कोरोना वायरस है उस पर स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और हमारे जो रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियल सेल है उस पर एक ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। मान लो ये हमारा रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल है, उस पर ACE2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये कोरोना वायरस का स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर ही जाके बाइंड कर लेता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है क्या हुआ, डैमेज हो गया। डैमेज हो गया तो क्या होगा भाई, जब डैमेज होने के मतलब इन्फेक्ट हो गया, तो इन्फेक्ट हो गया तो वहाँ से क्या होगा कि आपको होगा सोर थ्रोट हो जाएगा, निमोनिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, राइट। तो और साथ में ये भी होता है कि डेंड्राइटिक सेल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो भी आपको क्या होगा, रिलीज होगा, डैमेज होगा, ठीक है, डैमेज होगा। फिर मैक्रोफेज भी डैमेज हो जाएगा, जब दोनों डैमेज हो जाएगा तो क्या करेगा, वहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज होगा, लाइक साइटोकाइन रिलीज होंगे, और रिलीज होने के बाद क्या करेगा, सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको बताइएगा कि ओल्ड बच्चे वगैरह में होते हैं, डेट्स ऑल। ओके, अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में, इसका ड्रग कौन कौन सी यूज़ अभी कर रहे हैं, रिसेंटली में यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। देखिए FDA जो है, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी कोई ड्रग अप्रूव नहीं किया है, बट हम लोग 2 टाइप्स का जो मार्केट में ड्रग यूज़ चला रहे हैं ना हॉस्पिटल में, 2 किस्म के ड्रग यूज़ हो रहे हैं अभी, RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर में कौन कौन सा है भाई, ये बोला है कि फेविलावीर जो चाइना में है, वो चाइना में आपका वो सक्सेस कर गया और वहाँ पे अप्रूव्ड हो गया ड्रग, कौन सा, फेविलावीर, ये RNA पॉलीमरेज इनहिबिटर है। दूसरा क्या है, रेमडेसिविर के बारे में देखिए, इनका रिकॉम्बिनेंट अभी US से बना रहा है, अभी रिसर्च चल रही है, अभी कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर चल रहा है, मगर ये जो हमारा दोनों का दोनों ड्रग इबोला में यूज़ किया गया था पहले, मगर उतना बेनिफिट नहीं मिला था उसमें ना, मगर अभी नाउ इट इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है अभी यहाँ पे, अब इंडिया में चल रहा है। क्या बेस्ट ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कि अभी आपको एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो कौन सा, क्लोरोक्वीन, और वो सेल्टा में भी यूज़ कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू का मेडिसिन है वो वाला, और साथ में प्रोटीज इनहिबिटर, है ना, प्रोटीन इनहिबिटर जो लोपिनावीर्स ETC वगैरह जो बहुत सारे हैं, तो वो कम्बिनेशन मिला करके यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो लोपिनावीर है और जो रिटोनावीर है, ये अभी चल रहे हैं ड्रग्स, और ये दिल्ली एम्स से अप्रूव हो चुका है और ये यूज़ हो रहे हैं, बट ये चेंज भी हो सकता है, ये मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो जो रिटोनावीर जो है 50 mg यूज़ हो रहे हैं, और जो लोपिनावीर है 200 mg यूज़ हो रहे हैं, है ना। जितना भी लैब से पॉजिटिव पेशेंट है सब में दिया जाता है, और साइनम सिम्टम वाले जो पेशेंट है उसमें भी देंगे, साथ में हाइपोक्सिया और BP लो, ऑर्गन डिसफंक्शन है उस पेशेंट को भी देना है ये, ठीक है। तो ये 2 टैबलेट्स है पर डे, और 14 डेज के लिए देना है, राइट, ये दिल्ली एम्स ने अप्रूव किया है, ठीक है। और तो इसमें कॉज एंड डेट था क्या, बायोलेटरल निमोनिया हो रहा था ना, तो बायोलेटरल निमोनिया से क्या था कि जो लंग्स का जो कंप्लेन है वो कम जाता था, जब लंग्स की कंप्लेन कम जाएगा क्या होगा कि ऑक्सीजन कम जाएगा, सीवियर हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ARDS हो जाएगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाएगा, तो उससे पेशेंट को डेथ होती है। और मैंने आपको बताया था कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो ज़्यादा चांस होते हैं डेथ होने का अगर कोरोना वायरस होता है तो जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो क्या रहता है, रेमिपिरिल ड्रग लेते हैं ना, तो AC इनहिबिटर लेते हैं। तो AC इनहिबिटर क्या करता है भाई, AC इनहिबिटर क्या करेगा कि एंजियोटेंसिन 2 को क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर्स को डिक्रीज कर देंगे, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 जब डिक्रीज हो जाएंगे, बट क्या करता साथ में, जो ACE2 रिसेप्टर है वो उसको इंक्रीज कर देता। तो ACE2 रिसेप्टर क्या बताया था कि ACE2 रिसेप्टर्स है, इसी के थ्रू तो वायरस का जो 3 डेज है वो बाइंड हो रहा था, राइट। तो जितना ACE2 रिसेप्टर होगा उतना वायरस बाइंड करेगा, उतना इन्फेक्ट होगा, जल्दी डेट करेगा ना,
तो यही इसीलिए बोलते हैं कि भाई नहीं लेना है। ओके थैंक यू, ओके बाय। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए इन्फ्लुएंजा जो है इस कोविड से ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? कि जो इन्फ्लुएंजा का जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 2 डेज़ है, और कोविड का 5.1 बताया था आपको ना। तो अगर मान लो कि कोई आदमी है इन्फेक्ट हो गया तो उसका सिम्टम कब आएगा भाई? 5.5 डेज में आएगा, मगर कोविड का 2 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, राइट? तो जल्दी हो रहा है, जल्दी स्प्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो इतना हो हल्ला क्यों है? मगर इसमें इसमें देखो, इसमें इसलिए हो हल्ला ज़्यादा है कि जो इसका जो क्या होता है कि 2 से 2.5 और 3 जो है, या क्या इसका इसका जो क्या है रिप्रोडक्टिव नंबर है ना। रिप्रोडक्टिव नंबर बोले तो कि एक पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मैं एक और अढ़ाई तीन तीन पेशेंट को, तीन पर्सन नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए बोला कि जो रिप्रोडक्टिव नंबर जो है इनमें ज़्यादा है और मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, पॉपुलेशंस को अफेक्ट कर रहे हैं। हाँ और एक और बात है कि इसमें देखिए पेशेंट को ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेंटिलेशन ज़रूरी है। तो वेंटिलेशन मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल वेंटिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि वो क्या करता कि लंग्स को जो वर्क को लंग्स को ज़्यादा काम करने नहीं देता है ना, वेंटिलेशन से ही हमारा बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। तो इसमें क्या हुआ, ड्रग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वेंटिलेशन की ज़रूरत है इसको। तो इसमें इसे इसलिए इंडिया में वेंटिलेशन की बहुत कमी है हर हॉस्पिटल में, तो वेंटिलेशन होना चाहिए। और इसका जो जो पीसीआर जो होता है, जो इसका जो पीसीआर जो डायग्नोसिस जो है लैब डायग्नोसिस, बहुत ही कॉस्टली आते हैं, मतलब नियर अबाउट 5,000 के करीब आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही कॉस्टली है। इन अमेरिका में तो फ्री हो गया, वहाँ $50 के करीब आ रहे थे तो फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ऑफकोर्स।